ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा से हम वर्णन कर रहे थे, भीष्म पितामह बड़े सुंदर उपदेश पांडवों को देते हैं, धर्म के असली पहलुओं के बारे में पूरा वर्णन करते हैं, राजधर्म क्या होता है और इस संसार के अंदर में स्वधर्म क्या होता है, एक राजा का धर्म क्या है, हमारा अपना धर्म क्या होता है, वर्णाश्रम क्या होता है, स्त्री का धर्म क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से अनेकों धर्म के पहलुओं के बारे में महाराज युधिष्ठिर को पांडवों को वो सिखाते हैं, समझाते हैं। उसके बाद में वो महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, पांडवों से कहते हैं कि जिस कृष्ण के साथ में तुम एक सगे संबंधी की भांति व्यवहार कर रहे हो, कभी उनके साथ में मजाक करते हो, कभी उनके साथ में जाते हो, उनके साथ में सोते हो, उनके साथ में खाते हो, और कभी तुम्हारे लिए भगवान कृष्ण जो है एक संदेश वाहक के रूप में भी तुम्हारे जो है उन्होंने कार्य किया, अर्जुन के रथ के भगवान सारथी भी बने, तुम्हारे शुभ चिंतक के रूप में भी भगवान तुम्हारे साथ में रहे, लेकिन तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो एक साधारण व्यक्ति हैं, वे स्वयं त्रिलोक स्वामी भगवान आदि पुरुष लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, और वही श्री कृष्ण जो नारायण के भी आदि हैं, आज क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूं, मेरी भक्ति उनके प्रति अनन्य है, इसके कारण यहां तक कि मैं उनके विरुद्ध कौरवों की तरफ से उनके साथ में मैंने युद्ध किया, लेकिन फिर भी भगवान जो हैं अब मेरी मृत्यु के समय पर यहां पर स्वयं आए हैं ताकि भगवान के मैं इन सुंदर रूप के दर्शन कर सकूं, और दर्शन करते करते जब मैं इस संसार का त्याग करूंगा तो तुरंत मैं भगवत धाम में प्रवेश कर सकूंगा। तो अब जो है भीष्म पितामह सब कुछ छोड़ करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं, और भगवान के चरण कमल, भगवान के सुंदर मुख, उसके ऊपर जो है अब उनका ध्यान केंद्रित है, और अब वो भगवान से बड़ी सुंदर जो है प्रार्थना करते हैं। उनमें से कुछ प्रार्थनाएं, चंद प्रार्थनाएं जो हैं हम देखेंगे कितनी सुंदर जो है उनकी प्रार्थनाएं हैं, उनका संबंध भगवान के साथ में कितना गहरा है, उससे जो है हमें ये थोड़ा प्रतीत होगा। तो अपनी वो पहली प्रार्थना में कहते हैं, इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वता पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषि यद भाव प्रवाह। वो कह रहे हैं इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा, मेरी मति, मति क्या होती है,
हमारी जो बुद्धि है, सोच विचार की जो शक्ति होती है, अंग्रेजी में कहते हैं ना, थिंकिंग फीलिंग विलिंग। जो भी कार्य हम करते हैं पहले उसके बारे में सोचते हैं, थिंकिंग फीलिंग, फिर उसके ऊपर हम भाव प्रकट करते हैं, और बाद में जो भी हम कार्य करते हैं, विलिंग। तो कह रहे हैं इस समय पहले मेरा मन जो है अनेकों प्रकार के विषयों के ऊपर लगा हुआ था, क्योंकि एक वो योद्धा थे, योद्धा के साथ में अनेकों प्रकार के उनके कर्तव्य थे कुरुओं के प्रति, तो उनका मन जो है अनेकों प्रकार के विषयों में लगा हुआ था। अब वो चाहते हैं कि मेरा मन जो इधर उधर बिखरा हुआ था उसको मैं अब समेट करके मेरी थिंकिंग, मेरी फीलिंग, मेरी विलिंग, ये तीनों को, मेरे जितने भी विचार हैं, अब सब जगह से निकाल करके मैं केवल कृष्ण के बारे में सोचना चाहता हूं। इसलिए वो कह रहे हैं वितृष्णा, वितृष्णा मतलब इस भौतिक तृष्णाओं से दूर, कोई भी भौतिक इच्छाओं से दूर, अब मैं केवल भगवान के चरण कमल पर अपने विचार, अपनी मति जो है लगाना चाहता हूं। तो भगवान के बारे में वो क्या कह रहे हैं, भगवती सात्वता पुंगवे विभुमनी। वो कहते हैं कि भगवान जो हैं, जो भक्तों के नेता हैं, क्योंकि भक्त जो हैं उन्हें सात्वता कहा जाता है, और भगवान जो हैं उन सात्वताओं के, अपने भक्तों के भगवान नेता हैं। तो वो भगवान कृष्ण, उनके ऊपर मैं अपनी मति जो है लगाना चाहता हूँ। और ये भगवान कौन हैं, स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम। भगवान अपने अंदर में ही सुख प्राप्त करते हैं, स्वसुखम। भगवान भौतिक संसार में सुख प्राप्ति के लिए नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं प्रकृतिम उपेयुषी, लेकिन भगवान फिर भी इस भौतिक प्रकृति में आते हैं। तो वो किस लिए भगवान आते हैं, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। तो वो भगवान जिनके द्वारा ये पूरी रचना होती है, उन्हीं के द्वारा रचना होती है, और भगवान इस भौतिक संसार में आनंद नहीं लेता है, अपने आप में भगवान सुखी हैं, लेकिन फिर भी भौतिक संसार में आते हैं भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। तो अगली अपनी प्रार्थना में कहते हैं, भगवान का वर्णन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। भगवान जो है उनका जो तमाल का वर्ण है, तमाल एक वृक्ष होता है और उसका बड़ा सुंदर वर्ण है, जैसे आपने देखा होगा बादल जो होता है, जो बारिश का बादल होता है बड़ा सुंदर होता है, तो भगवान का उसी प्रकार का श्याम वर्ण, जैसा तमाल का वृक्ष होता है उसी प्रकार से भगवान का वर्ण है। और भगवान जो है त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवनों में भगवान जो है सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। रवि कर गौर वरांभरम दधाने, और भगवान का जो है मुख जो है, उनके मुख के ऊपर से इतनी सुंदर कांति निकल रही है, भगवान का गौर वरांभरम दधाने वपुर अलक, और भगवान का शरीर जो है जो चंदन से लिप्त है, और भगवान ने जो पीत वस्त्र पहने हुए हैं उसकी कांति के द्वारा इतना आकर्षण है कि तीनों भुवनों के लोग जो है भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। और भगवान के बारे में कहते हैं विजया सखे रतिरस्तु में अनवद्या। अब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डाइवर्जन के, विजय सखे अर्जुन के जो सखा हैं भगवान कृष्ण, उनकी तरफ मेरी रति हमेशा बनी रहे। तो बड़ा सुंदर जो है वो वर्णन करते हैं। अगली अपनी प्रार्थना में वो जो है भगवान की
अपनी जो लीला उनके साथ में भगवान ने, जिस लीला में भगवान भीष्म पितामह के साथ में बंधे हैं, उस लीला का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वो क्या लीला है? भगवान जो हैं अर्जुन के साथ में, उनकी लीला इस प्रकार की है, सखा के रूप में है। तो सखा के रूप में अर्जुन के साथ में भगवान जो हैं, भगवान स्वयं परम ब्रह्मन है, लेकिन अपने सखा अर्जुन के लिए भगवान एक रथ के हांकने वाले, रथ को चलाने वाले सारथी मात्र बन गए हैं। ये भगवान की असीम कृपा अपने भक्तों के ऊपर है। भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपने भक्तों से सबॉर्डिनेट भी बन जाते हैं। क्या हमारा कोई मित्र जो है, हम उसे कहें कि भाई तू मेरा ड्राइवर बन जा, क्या वो बड़ा खुश होगा? लेकिन देखिए, भगवान जो है वो अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उसमें आनंद मिलता है। तो ये अर्जुन के साथ में भगवान का रस था, संबंध था, इस प्रकार की लीला अर्जुन के साथ में थी। भीष्म पितामह के साथ में भगवान की क्या लीला थी? भीष्म पितामह जो है वो एक योद्धा थे, बड़े शूरवीर योद्धा थे, और वो भी भगवान के साथ में, उनका भी भगवान के सेवक के रूप में उनकी सेवा है। लेकिन उनकी सेवा और जो आम भक्त सेवा करता है उसमें थोड़ा सा अंतर है। कैसे अंतर है? देखिए, हम जब मंदिर में जाते हैं सेवक के रूप में, हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं भगवान के चरण कमल में। अब देखिए, भीष्म पितामह जो हैं वो एक शूरवीर योद्धा है, वो भी भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, लेकिन उनकी वस्तु अर्पण करने की अलग है, बस इतना अंतर है। अन्यथा वो भी भगवान से सेवक के रूप में ही जुड़े हैं, लेकिन उनकी सेवा करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उदाहरण दिया जाता है, ये बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है, भौतिक संसार का उदाहरण है, गलत नहीं समझना चाहिए, लेकिन भौतिक संसार का उदाहरण है, लेकिन इससे हम समझ सकते हैं। अभी देखिए, पिता का अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह प्रकट होता है वो अलग प्रकार का होता है, और उसी पिता का अपनी जो है पत्नी के साथ में जो संबंध का प्राकट्य होता है वो अलग प्रकार का होता है। कहा जाता है कि जब प्रेमिका प्रेम में कई बार जो है दांतों के द्वारा अगर अपने प्रेमी को काट भी लेती है, वो भी एक प्रकार का आनंद होता है। देखिए, ये सच बात है इस भौतिक संसार की। इसी प्रकार से अब देखिए, भीष्म पितामह जो है वो भगवान को क्या अर्पण कर रहे हैं? भक्त मंदिर में जाता है, फूल अर्पण करता है, फल अर्पण करता है, भीष्म पितामह जो है भगवान को बाण अर्पण कर रहे हैं, भगवान की तरफ युद्ध में जो है वीरता के साथ में बाण छोड़ रहे हैं भगवान के ऊपर, ये बताया है, और भगवान उसमें आनंद ले रहे हैं। अपनी अगली प्रार्थना में वो यही कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान जो है जब अर्जुन के रथ के सारथी भगवान बने, तो अर्जुन के रथों के द्वारा जो धूल उड़ रही थी, उस धूलों के द्वारा भगवान के जो है केश बिल्कुल भूरे कलर के हो गए, ब्राउन हो गए। अब काले केश होते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर धूल पड़ती है तो किस प्रकार के हो जाते हैं? भूरे कलर के, ब्राउनिश हो जाते हैं। तो कह रहे कि भगवान बड़े सुंदर उसमें जो है प्रतीत हो रहे थे, और उसके साथ साथ में क्योंकि भगवान अर्जुन की जो है रक्षा में वहां पर लगे हुए हैं कि अर्जुन को कोई चोट ना पहुंचे, तो भगवान अनेकों प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, और भगवान के जो है पसीने निकल रहे हैं, और उस पसीनों के द्वारा भगवान का जो है सुंदर चेहरा अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। हम जो है देखिए,
हम जब मंदिर में जाते हैं तो बड़े सुंदर से चंदन के द्वारा भगवान का लेप करके जो है भगवान के सुंदर दर्शन देखते हैं, लेकिन युद्ध भूमि में इसी प्रकार से भीष्म पितामह जो है भगवान का पसीने से भरा हुआ जो चेहरा है उसको देख करके आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान से शौर्य रस के अंदर में जुड़े हैं। भगवान जो है भौतिक संसार में आते हैं अपने भक्तों के साथ में युद्ध करके उस शौर्य के अंदर में भी भगवान आनंद प्रदान करते हैं, आनंद लेते हैं, भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा राजा क्या करता है, राजा जो है उसके अपने ही पहलवान होते हैं, अपने ही लोग होते हैं, तो उनको अपना प्रतिद्वंदी बना देता है और कहता है कि मेरे साथ में मल्ल युद्ध करो। उसका दुश्मन नहीं है, उसका ही अपना आदमी है, लेकिन प्रतिद्वंदी के रूप में जो है बड़ी टक्कर देता है राजा को, और राजा जो है उसमें बड़े आनंद लेता है, और उसको वो भी आनंद लेता है और वो जो मल्ल योद्धा है उसको भी आनंद प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से भीष्म पितामह जो है कुरुओं के साथ में मिले हैं और भगवान के ऊपर जो है बाण छोड़ रहे हैं और भगवान जो है उसमें आनंद ले रहे हैं। तो ये बड़ी ही सुंदर जो है इस लीला का वो वर्णन करते हैं, और थोड़ी चर्चा हम जो है इस लीलाओं के बारे में अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।